भाभी वो दूध आ गया था, आप जाके ना दूध देख लो, लाओ मैं सब्जियां काट देती। नहीं स्वीटी, ये सब्जियां तो मैं काट लूंगी, तू जाके ना आटा गूंथ। अरे हाँ, गड़बड़ मत कर देना। हाँ जी ठीक है। नहीं नहीं, पहले आपने गलत मिठाई भेजी थी ना, वही बता रहा हूँ आपको। अरे चलता है ना भाभी, आप भी ना। अब तो बस मीरा और विवान अमाया और पम्मी जी को लेकर आ जाएं तो सब ठीक हो जाए। हाँ भाभी, बड़े दिनों के बाद हमारे इस घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी। अब देखना हमारी मीरा की जिंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 20 किलो। लो जी, मुझे आप लोगों की तैयारियों को देख के ना मैंने भी अमाया की मनपसंद मिठाई मंगाई है, वो भी 20 किलो। अच्छा, अरे वाह, आज तो जिंदगी में आपने पहली बार सही काम किया। यार स्वीटी जी, आप एक्साइटेड हो जाते हो। मेरा तो नहीं बज रहा। अरे वहाँ वहाँ जरा। ओ भाई साहब, आपका फोन बज रहा है, मीरा का है। मीरा, मीरा अभी खेल खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। चलो मैं तुम्हें अपना फेवरेट शो दिखाता हूं। माया की हालत देखो कैसी हो गई। फोन पर उसने मुझे कहा मीरा दिखाई नहीं दे रही। फोन पे तो उसने बताया कि माया को किसी ने जहर दे दिया। जहर दे दिया? लेकिन क्यों, किसने उसे जहर? विवाद भी नहीं है यहाँ पे, और पम्मी जी का भी कोई पता नहीं। अप्पा, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है इन लोगों के साथ। अरे वीर, आईसीयू वाले पेशेंट के साथ आप लोग हैं? जी। वो कोमा में चली गई। क्या? आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका था। I'm really sorry, Mom. Mom! विवान को फोन दो, नहीं तो हमें यहाँ से बहुत दूर है,
उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा, लेकिन मुझे नहीं। चलो तुम विवान को फोन दो। सॉरी अमाया, काश मैंने उस दिन तुम्हें और मोहम को जाने ही नहीं दिया होता। काश मीरा की वजह से मैं वापस ना रुका होता तो ये सब होता ही ना। मुझे तो मेरी सजा मिल गई, बट अब मीरा को उसकी सजा मिलेगी। वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है अमाया, पर कल आकर ही मोहर भी लग जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि सारा दोष मेरी मीरा के ऊपर क्यों आता है। बेचारी हमेशा अच्छा करने जाती है लेकिन फिर भी सबसे बुरी बन जाती है। उसके कर्म तो अच्छे हैं लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ऐसे कैसे विवान ने मीरा को हॉस्पिटल से निकाल दिया जबकि इस वक्त अमाया को मीरा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाभी बुरा मत मानना, एक बात कहूं, इस बार गलती ना मीरा की ही है। उसे विवान की बात को सुन लेने चाहिए थी, पैसे देके बात वही की वही खत्म हो जाती। अब विवान की भी तो गलती नहीं है, बेचारा जिसकी माँ मर गई हो, जिसकी बहन की ये हालत हो गई हो, उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। उस बेचारे को कुछ पता नहीं था। भाई साहब अगर नहीं पता था तो घर में चुपचाप बैठ जाती। खैर अब जो हो गया उसे उल्टा तो नहीं सकते, पर किसी ना किसी पे ये दोष तो जरूर जाएगा। मुझ पे। है ना? मेरा पुत्र, ये सब क्या हो रहा है मेरा पुत्र? दस ना तो मिस्टर विवान क्या सोचा है आप दोनों ने? मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। योर ऑनर, मुझे डिवोर्स चाहिए और यही मेरा अगली फैसला है। फैसला सुनाने का काम मेरा है। आप दोनों को अगर अलग भी होना है तो भी आपको 6 महीने तक एक साथ रहना पड़ेगा। योर ऑनर, मैं इस लड़की के साथ 6 महीने तो क्या एक मिनट भी और नहीं रह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए योर ऑनर, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मिस्टर कपूर अभी आप गुस्से में हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब कपल्स को 6 महीने के लिए एक साथ रहने का वक्त दिया जाता है तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो लोग अलग होने का फैसला भी बदल देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे नहीं होगा। आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मुझे सबसे छुटकारा चाहिए। मिस्टर कपूर मैं कोर्ट के हिसाब से ही चलूंगी। ये कैसी जबरदस्ती? मेरी लाइफ है ना, मैं नहीं रहना चाहता किसी के साथ, तो नहीं रहना चाहता। आप लोग बेटे क्या कर रहे हैं? मिस्टर कपूर जज से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो और क्या कर, ये चाहती है कि मैं इस लड़की के साथ 6 महीने और। जानते हो ना, इसी लड़की की वजह से मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं। मिस्टर कपूर मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। कोर्ट की इज्जत कीजिए वरना। सॉरी जज साहब, वो थोड़े गुस्से में इसलिए से बोल दिया। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज उन पे कोई धारा मत लगाना। तुम भी आई हो? वो बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो वो फिर मैं भी यही आ गई। विवान प्लीज मेरी बात सुनो। देखो
आंखें बंद करने से ना मुश्किलों के हल नहीं मिलते, मुसीबतों का तो डट के सामना करना पड़ता है ना। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। अपना हाथ दूर। जिस रिश्ते को मम्मी जी ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था, मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगी। तुम मम्मी जी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करोगे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कि रिश्ते को जिंदा रखूंगी। बहुत खुश होना तुम, बहुत खुश हो कि कोर्ट ने थोड़ा और वक्त दे दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम इस दौरान कोई नई चाल चल पाओगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है मीरा। इन 6 महीनों में मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जीने से ज्यादा मरना पसंद करोगी। देखते हैं इन 6 महीनों में किसकी गलतफहमी दूर होती है और किसके इरादे बदलते हैं। फिर भी दोनों एक कमरे में कैसे हैं? कैसे तलाक नहीं हुआ? कैसे? जब तक तार तार ना कर दूं इस रिश्ते को, चैन की सांस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जी आराम नाल, वो की कर रहे हो तुसी? जी आराम से ही तो कर रही हूँ। की कर रहे हो तुसी? अब चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही ना। वो कितनी बेइज्जती सहेगी पुत्र तू? मुझसे नहीं देखा जाता, वो तुझे धक्के मारता है और तू फिर उधर चली जाती है। जब वो तेरा प्यार समझ ही नहीं रहा तो तू क्यों कर? तू उसे लोरी सुना रही है और उसने तुझे गिरा दिया। देख
देख गिरा दिया ना। नहीं पापा जी, विवान ने मुझे नहीं गिराया, वो मेरा पैर फिसल गया था। फिसल तो हम गए थे पुत्र, जो उससे शादी के लिए हाँ कर दिया। वो पर्दे ना डाल मीरा, पर्दे ना डाल पुत्र। पता है तुझे कितना छोटा महसूस करता हूँ मैं। ठंडे रखा टीटू, और पीछे की ठंड रखा। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हूँ कैसे कैसे ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई। विवान को लेकर मैं गलत थी, जानती हूँ कि हालात बुरे हैं और उसने भी कुछ ऐसी चीजें की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, पर आज मैं एक बात जान गई हूँ कि वो दिल का बुरा नहीं है, वरना वो हमें जाने से रोकता क्यों। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे सामने दुख पहुंचाऊंगा ताकि तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें दुख पहुंचे, सारा हिस्सा बराबर करूंगा मेरा। मैं उसे शुक्रिया अदा करने गई थी, उसने बड़ी इज्जत से मेरे साथ बात की। कुछ ऐसा करना होगा कि चाहे हमारी लड़ाई चलती रहे पर वो घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लड़ाई हम दोनों की है, उसमें कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। क्यों है, कितने जा रही है? मैं अभी आती हूँ। अरे कितने जा रही है? हाँ सुन मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हमारे बीच में जो भी है वो अलग बात है, पर काम से जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन मैं अभी आती हूँ। मीरा मीरा,
मैं इंजेक्शन दे चुकी हूँ। सिरिंज लेकर आओ। सर लेकिन मैं इंजेक्शन। सर मैंने इंजेक्शन दे दिया है। शट अप, डॉक्टर मैं हूं कि तुम? सर लेकिन सब ठीक है ना जी? मैं तो इसलिए आ गया कि आपको कोई दवाई वगैरह की जरूरत हो तो मैं ले आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। वैसे डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर माथुर ने तो बता ही दिया होगा कि अमाया को कौन सी बीमारी है। हाँ हाँ बताया। जी आप इलाज कीजिए, मैं यही हूँ। जी एक्सक्यूज मी। दर्द है, कहो तो घर तक छोड़ दूं? ओए खोतिया, चुपचाप से अपना काम कर समझा। क्या घूर क्या रहा है तू एक कान के नीचे? सही कहते हैं लोग, जब आदमी का दिमाग गर्म हो ना, बुरे टाइम में औरत की ही माननी चाहिए। वो आदमी का दिमाग तो गुस्से के कारण गर्म रहता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता, लेकिन औरत ना ठंडे दिमाग से सोचती है, इसलिए हमेशा उसी की माननी चाहिए। और धोली जी, वो आपने बिल्कुल सही किया जो मुझे बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ भेज दिया, वरना मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता। मैं अपनी बेटी के कारण किसी और की बेटी को दांव पर लगाने चला था। पर अब क्या करें, पुलिस को बुला ले? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग पहले विवान को फोन करके बता दे कि क्या हुआ। मैं कॉल लगा रहा हूँ पर वो उठा नहीं रहे। वो तो एक काम कर, जल्दी से पुलिस को फोन लगा। लगा रहा हूँ। और जल्दी लगा यार। अरे लगा रहा हूँ, एक सेकंड रुको तो। सारी बात बताना उसको। दादी सब पीछे जाओ, मैं तो गर्दन काट दूंगा। बीजू को कुछ ना करें।